मोटो ने पता नहीं आजकल कौन से बाबा की जड़ी बूटी खा रखी है भैया, लाइन लगा के फोन लॉन्च करते जा रहे हैं। पहले आया था मोटो का G84, फिर आया मोटो का G54 और अब बारी थी मोटो एज 40 नियो की। और जो फेस्टिवल ऑफर वाला प्राइस है 20,000 रुपए, भाई ये काफी घातक है। ये फोन एक वीक से मेरा प्राइमरी वाला डिवाइस है, जियो का सिम कार्ड ठूस के मैंने इस फोन को बहुत ज्यादा यूज कर लिया है। ये फोन की तरफ आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर मोटो वालों ने क्या खेला है, सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। बस यार एक काम आप कर दीजिएगा विद्वत तरीके से, जो है वीडियो में बहुत सारा लाइक बहुत सारा शेयर, चैनल में पहली बार पधारे हैं भाई सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए इस फोन का जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ये काफी अच्छे से काम कर रहा है, 4G प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, 15 5G के बैंड है। जब मैंने 5G चलाया बिंदास चल रहा है। बस यार गूगल के डायलर को भी टाटा बाय बाय कर दो तो मजा आ जाएगा। अभी हम कॉल रिकॉर्ड करते हैं, सामने वाले को छट से पता चल जाता है आप उसकी कॉल को रिकॉर्ड करते हैं। हैप्टिक फीडबैक कमाल का है जिस प्राइस ब्रैकेट में ये फोन लॉन्च हुआ है। चाहे आप 256 GB वेरिएंट बाय करें या तो 128 GB वाला, दोनों ही डिवाइस में आप कोई भी मेमोरी कार्ड नहीं ठूस सकते। कॉलिंग में यार आवाज अच्छी है, सामने वाले को भी आपकी आवाज अच्छे से सुनाई देगी, मतलब स्पीकर अच्छा है और साथ में जो माइक्रोफोन है ना ये भी आपको दो मिल जाते हैं। IP68 की रेटिंग मिलती है। आप फोन को यार डुबकी लगवाइए, फोन आपका खराब हो सकता है ना हो। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे जो इनका H40 था वहां पर जो बैटरी थी वो थी 4400 mAh की, लेकिन इस बार जो बैटरी है ये उससे बड़ी वाली है 5000 mAh की। जब से मैंने फोन को यूज करा बिंदास यार मेरा फोन 1.5 दिन चल गया है। मैं मॉडरेट यूजर हूँ, यूट्यूब में वीडियो देख लिया, व्हाट्सएप में बात कर लिया और भी यार कुछ वीडियो देख लिए, तो मेरे हिसाब से बैटरी बैकअप काफी अच्छा वाला है। बॉक्स के अंदर 68 वॉट का चार्जर है, मान के चलिए 45-50 मिनट में आपका जो फोन होगा वो फुल टू चार्ज हो जाएगा, कोई भी हेडफोन वाला जैक नहीं है। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की, और मैं आपको पक्का ये कहूंगा ऑफलाइन मार्केट में ये फोन आप देखेंगे आपको इस फोन की बिल्ड क्वालिटी काफी शानदार लगेगी। भाई बहुत ही स्लिम फोन है और इस कलर का फोन मैंने पहली बार यूज करा, भाई बहुत ही कमाल का डिजाइन है। और जो फोन का वेट है ये है 172 ग्राम, वो भी 5000 mAh की बैटरी के साथ। जो बैक कवर की क्वालिटी है ये भी काफी प्रीमियम वाली है। आगे की तरफ 144 Hz का POLED वाला डिस्प्ले मिलता है। आउटडोर की जो ब्राइटनेस है ये भी आपको निराश नहीं करने वाली है, एलईडी वाली प्रोटेक्शन है। कृपया करके बैक कवर के साथ साथ टेम्पर्ड ग्लास भी बाय कर लीजिएगा। और आप सर्च कर रहे हैं वन हैंड वाला फोन, तब तो यार ये आपके हाथ में चपक के बैठेगा। 6.5 इंच की ही यार डिस्प्ले है, 10 बिट वाला डिस्प्ले है, HDR 10 प्लस को सपोर्ट करता है। YouTube में आप HDR वाली चीजें देख सकते हैं, लेकिन Netflix पे HDR मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये अपडेट के बाद फिक्स हो सकता है। मेरे हिसाब से डिस्प्ले और डिजाइन के मामले में ये वाला फोन आपको काफी जचने वाला है। और जो बैगन लेदर है ना, इसकी बदौलत आपके फोन में जल्दी से स्क्रैच नहीं आएगा, बिना बैक कवर के भी आप फोन को यूज करेंगे जल्दी से स्लिप नहीं होगा। और मुझे वैगन लेदर आज की डेट में काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। धीरे धीरे करके और भी बहुत सारे ब्रांड अब वैगन लेदर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है 2023 में वैगन लेदर वाला ही ट्रेंड चल रहा है। अब बात करते हैं प्रोसेसर की, एक चीज मोटो वाले बड़ा करते हैं, पहली बार अपने फोन में प्रोसेसर को टेस्ट करते हैं। यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो है MediaTek Dimensity 7030। ये जो प्रोसेसर है अभी आपको इसी फोन में देखने को मिल रहा है, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में और भी कोई ब्रांड अपना फोन इसी प्रोसेसर के साथ लॉन्च कर दे। यहाँ पर जो एंटीटू बेंचमार्क स्कोर है ये 5,00,000+ है। और मोटो G54 5G में जो कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है वहां पर जो प्रोसेसर था वो था MediaTek Dimensity 7020। देखिए बेंचमार्क स्कोर में बहुत बड़ा वाला फर्क नहीं है, लेकिन तनिक सा तो फर्क पक्का है। मुझे फोन में कोई भी टोटल इशू मिला नहीं है। और जो 256 GB वाला वेरिएंट है वहां पर UMCP वाला स्टोरेज है, और आप जाते हैं 128 GB वाले में वहां पर ये फिर 2.2 का स्टोरेज है। भैया ये जो UMCP 2.2 में बहुत बड़ा वाला अंतर है नहीं, HDR में अल्ट्रा सेटिंग में जाके BGMI का आनंद उठा सकते हैं। यदि आप बहुत भारी वाले गेमर हैं तो यार आपके पास और भी बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन अभी तक मैंने इस फोन को जितना टेस्ट करा यहाँ पर कोई भी मेजर इशू नहीं है और फोन गर्म भी नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से ये जो प्रोसेसर है काफी अच्छे से काम कर रहा है।
अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। देखिए यहां पर इधर उधर वाली कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, अभी एंड्रॉइड 13 में बेस्ड है। दो एंड्रॉइड के वर्जन आपको और देखने को मिल जाएंगे, 3 साल का सिक्योरिटी पैच। बस यार मोटो को सॉफ्टवेयर में अपडेट जल्दी जल्दी से करना चाहिए तो यार और ज्यादा आनंद आ जाएगा। रेडी फॉर पीसी का फीचर, मोटो का जो जेस्चर है, ऐसे बहुत सारी चीजें इस फोन में आपको देखने को मिलती है। दो एप्लीकेशन भी आप बना सकते हैं। ये जो सिक्योर फोल्डर है ना, ये मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। NFC दिया गया है, वाइड बैंड L1 का सपोर्ट मिल जाता है, FM रेडियो नहीं है, एड नहीं है, कहीं भी ग्लिच नहीं है। अब आप बताओ आपको क्या लगता है मोटो वाले अपने सॉफ्टवेयर में और क्या चेंजेस लाए। मोटो की टीम से मेरी एक ही गुजारिश है, भैया गूगल के डायलर को अब हटा दो सॉफ्टवेयर से। अब बात करते हैं कैमरे की। बैक में आपको 50+13 मेगापिक्सल का सेंसर दिया जाता है। अच्छा हुआ 2 मेगापिक्सल को हटा दिया। आगे की तरफ जो सेल्फी कैमरा है ये है 32 मेगापिक्सल का। चलो अच्छा हुआ मोटो वालों ने आगे की तरफ से भी 4K वाली वीडियो रिकॉर्ड करने का विकल्प दे दिया। और आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है, कैसी आवाज है, व्लॉग करना चाहते हैं, सब कुछ आपको दिख रहा होगा। जो फोटो की क्वालिटी है ये भी यार आपको अच्छी लगेगी 32 मेगापिक्सल के हिसाब से। अब मैं आपको 50 मेगापिक्सल वाली फोटो दिखाता हूँ। इस बार ऐसा लग रहा है मोटो की टीम ने कैमरे में ध्यान दिया है। जो कलर साइज है ये भी आई कैची वाला है, और जो लाइट कंट्रोल है इसमें भी ध्यान दिया गया है। जो एजेस है ये और ज्यादा शार्प हो सकते हैं जब भी आप पोर्ट्रेट वाली फोटो लेंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा 10 में से 8-9 फोटो आपको जचेगी, और आपको थोड़ी सी एडिटिंग आती है तो फोटो को यार आप और भी ज्यादा निखार सकते हैं। एक चीज का एहसास सबको हो सकता है, जो कलर है ना ये थोड़े से ज्यादा वार्म है, लेकिन डिटेल के मामले में फोन का जो कैमरा है ये मेरे हिसाब से बिंदास है। अल्ट्रा वाइड वाले में थोड़ा सा कलर का फर्क दिख रहा है। नाइट की फोटो में भी कैमरा सही से काम कर रहा है। 4K 30fps वाले आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। OIS की बदौलत वीडियो स्टेबल भी है, और जो कलर है ये भी आई कैची वाला है। अब आप बताओ आपको क्या लगता है, जितनी भी फोटो आपने देखी है उसके आधार पे मोटो वालों ने इस फोन के कैमरे में ध्यान दिया है या अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है, ये फास्ट है, एक्यूरेट है, बहुत जल्दी से आपके फोन को अनलॉक कर देता है। चलिए अब स्पीकर सुनते हैं। भैया डबल स्पीकर है, एक ऊपर की तरफ दूसरा नीचे की तरफ, डॉल्बी एटमॉस का फीचर मिलता है, आवाज काफी ज्यादा लाउड है और क्लीन भी है, स्पीकर में कोई भी कटौती नहीं करी गई है। अब मुद्दे की बात करते हैं कि आपको बाय करना चाहिए मोटो एज 40 नियो। वैसे जिस प्राइस ब्रैकेट में ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है फोन में कोई भी कमी नहीं है, बहुत अच्छा वाला फोन है। क्या प्रोज है क्या कॉन्स है वो भी आप देख लो। अब आप बताओ आपको क्या लगता है, जिस प्राइस ब्रैकेट में मोटो एज 40 नियो इंडिया में लॉन्च हुआ है क्या वो बेहतर है? अभी भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जाते जाते यही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चमचमाते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।